हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बेसिक मैथ्स, जो कि फिजिक्स में आवश्यकता पड़ती है, फिजिक्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण और आसान बनाता है फिजिक्स को। ठीक है, तो वो मैं आज बेसिक मैथ पढ़ाऊँगा, जो कि 11th और 12th में फिजिक्स में इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये नहीं जानते हैं बेसिक्स मैथ्स, तो आपको फिजिक्स का जो भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं आएगी। बातें समझ में आ रही है क्या? अब जल्दी से अगर किसी को जुड़ना है तो आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है ये आज का लेक्चर, और बहुत ही फास्ट, मतलब लगभग 1 घंटे तक लेक्चर ये चलेगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट लिखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या लिखेंगे कि भौतिक में प्रयुक्त मूलभूत जो गणित होती है वो क्या क्या होती है। ठीक है, भौतिकी लिखो ना, भौतिकी में प्रयुक्त मूलभूत जो गणित होती है, जिसकी आवश्यकता होती है, जिसके बिना आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा, फिजिक्स का जो भी कोई भी डेरिवेशन हो वो समझ में नहीं आएगा, तो आप फिजिक्स का डेरिवेशन ये इन्हीं सबसे कर पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले एक सिंपल सा उठाते हैं, इक्वेशन से उठाते हैं। ठीक है ना, आप जानते होंगे कि समीकरण ax² + bx + c ये क्या है? द्विघात समीकरण है, इज इक्वल टू जीरो। बातें समझ में आ रही है? के मूल अगर फाइंड करना हो तो एक्स इक्वल टू क्या होता है? एक्स इक्वल टू फार्मूला आप लोगों को पता होगा, क्या पता है? कि -b + √(b²-4ac). ठीक है, b²-4ac और टोटल का अपान 2a होता है। बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं जानना है। ठीक है, बस इतना ही जानना है। अब देखिए, यहाँ पर मूलों का योग आप लोग पढ़ रखे होंगे क्लास 10th में। मूलों का योग क्या होता है भैया? मूलों का योग यानी कि मान लीजिए उसका एक मूल x1 है, दूसरा मूल जो है x2 है, तो हम लिख देते हैं x1 + x2 = -b/a होता है, -b/a होता है। ये बी है, इसका गुणांक लिखेंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला है। यस यस यस, श्रीधराचार्य फार्मूला है। ठीक है, आकाश वर्मा जी आप जुड़ गए, चलिए अच्छी बात है। -b/a, ठीक है। अब देखिए मूलों का गुणनफल, बहुत अच्छा, मूलों का गुणनफल आप देखेंगे, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है? x1 x2 c/a, बहुत अच्छा, x1 x2 = c/a। अब देखिए यहाँ पे वास्तविक मूलों के लिए देखिए क्या क्या होता है, क्या हमें प्रतिबंध पालन करेंगे वास्तविक मूलों के लिए। वास्तविक मूल के लिए हमें कौन सा प्रतिबंध लगाना है? वास्तविक मूल हो तो क्या होता है? b²-4ac > r = 0 होता है। b²-4ac > r = 0 होता है, वास्तविक मूल के लिए है, बस वास्तविक मूल के लिए। देखिए, और एक होता है काल्पनिक मूलों के लिए। काल्पनिक मूलों के लिए क्या होगा? काल्पनिक मूलों के लिए, काल्पनिक मूलों के लिए क्या होता है? b²-4ac का जो वैल्यू आएगा ये इज लेस देन 0 होगा, ये काल्पनिक मूल हो जाएगा। कैसे भैया? तो अगर यहां पर डालेंगे तो रूट में b²-4ac, ये माइनस में आ जाएगा, जब इज लेस देन 0 है तो माइनस में आ जाएगा, तो रूट में माइनस का वैल्यू निकलता ही नहीं है, आयोटा से निकलता है, i = ठीक है ना, i² का पावर -1 होता है। ये क्लास 11th में पढ़ रखे होगा, अगर कोई मैथ का मतलब आप स्टूडेंट होंगे पीसीएम का, तो अगर पीसीबी का स्टूडेंट है तो 11th में तो पढ़ ही नहीं रखे होंगे आयोटा वगैरह के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया आपका
बेसिक सा द्विघात समीकरण के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लघुगणक। लघुगणक इसको मिटाओ, क्या मिटाओ क्या इसे बताइए फटाफट। आप लोग तो पता ही होगा, आप लोगों को आकाश वर्मा पता होगा आपको, मिटाओ बोलिए फटाफट। इसके बाद हम लोग चलेंगे लाग्रेंज, लामेज थ्योरम आप जानते हैं क्या आकाश वर्मा जी? अस्थाना सिंह, यस सर, हाँ लामेज थ्योरम आप जानते हैं क्या? लामेज थ्योरम, क्योंकि मैं लामेज थ्योरम ही बताने वाला हूँ और लामेज थ्योरम आपके बुक में नहीं होगा और इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए अभी ये तो मैं कर दिया और आगे में मैं अब लघुगणक चलूँगा। लाग्रेंज लघुगणक के लिए, लघुगणक का भी यूज होता है फिजिक्स में, इसलिए मैं लघुगणक लेके चल रहा हूँ। देखिए लॉग एन बेस टेन इज इक्वल टू एक्स हो, लॉग एन बेस टेन इज इक्वल टू एक्स हो, तो इसका मतलब क्या होता है? डेट्स इंप्लाई टेन टू डी पावर एक्स इज इक्वल टू एन होता है। बातें समझ में आ रही है क्या? लॉग एन बेस टेन इज इक्वल टू एक्स हो, इसको हम लिख सकते हैं टेन टू डी पावर एक्स इज इक्वल टू एन, यहाँ इसका पावर एक्स इज इक्वल टू एन, इसका मतलब ये होता है। लामेज थ्योरम मेरे भाई की बुक में है, मेरे भाई की बुक में है। चलिए कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दे रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ आप लोगों को और बताऊँगा कि लिख सकते हैं क्या। ये देखिए एक थोड़ा सा ऐसा भी है कि लॉग बेस बी और एक एन है, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे लॉग ए बेस बी लिखेंगे, लॉग ए बेस बी तोड़ेंगे हम इसको, लॉग ए बेस बी और इसको इनटू लॉग लिख सकते हैं, ए बेस बी हो गया लॉग ए बेस बी और इसके बाद लिख सकते हैं लॉग एन बेस ए, सेम टू सेम लिख सकते हैं, लॉग ए बेस बी और लॉग एन बेस ए इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे लॉग वन बेस बी, इसका वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लॉग ए बेस ए, इसका वैल्यू वन होता है, ठीक है। लॉग एम एन, इसको लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है। एम एन इजकल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम बाई एन, इसको लिख सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। अब देखिए इधर लिख दे रहा हूं, लॉग एम बाई एन हो गया और कुछ छूटा है क्या? लॉग एम बाई एन, लॉग एम एन और कोई है क्या? लॉग, हाँ लॉग एम एन हो गया, लॉग एम बाई एन हो गया, हाँ लॉग एम टू डी पावर एन, लॉग एम टू डी पावर एन, ठीक है, लॉग एम टू डी पावर एन, इसको लिख सकते हैं हम एन लॉग एम, एन लॉग एम पावर है तो पावर पहले आ जाएगा, एन लॉग एम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लिखेंगे लॉग एम बेस ई, लॉग एम बेस ई, इसका वैल्यू क्या होता है? हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग एम बेस ई को लिख सकते हैं 2.303, ठीक है ना, 2.303 लॉग एम, ठीक है ना, लॉग एम बेस 10, बेस 10 होना चाहिए यहाँ पर, बेस 10 होगा, ठीक है ना, लॉग एम बेस ई को लिख सकते हैं 2.303 लॉग एम बेस 10। बातें समझ में आ रही क्या? बस अब मैं इधर लिखवा दे रहा हूँ, लॉग 2 का वैल्यू क्या होता है ये याद रखना है, लॉग 2 का वैल्यू क्या होता है आप लोगों को पता है क्या? 0.3010, ठीक है। इसी तरह लॉग 3 का वैल्यू क्या होता है ये भी याद रखना है, लॉग 3 का वैल्यू क्या होता है? 0.4771, 0.4771, इतने का ही फिजिक्स में यूज होगा भैया, इतना आप नोट कर लो, या फिर याद है तो बोलो नोट कर लो, या फिर याद है तो बोलो मैं मिटाऊ इसे, इन लॉग एम 0.3010 आकाश वर्मा जी, सही है आपका, लॉग 2 का वैल्यू अगर 0.3010, मिटाओ क्या इसे आप लोग बताइए फटाफट,
लॉग में इतना यूज होगा, क्योंकि देखिए फिजिक्स का कंसेप्ट समझना है तो बेसिक भैया पढ़ना ही पड़ेगा। बेसिक अगर नहीं जानते हैं तो फिजिक्स का कंसेप्ट आपको आएगा नहीं। नोट कर लिया सर, चलिए अच्छी बात है, साथ साथ में नोट करते जाइए। ये सारी चीज़ें जो है बेसिक है, और बेसिक ही होता है, जड़ अगर मजबूत रहेगा तो आपको कोई उखाड़ के नहीं फेंक सकता फिजिक्स में, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जड़ अगर आप मजबूत रखते हैं तो बहुत ही शानदार। अब देखिए समांतर श्रेणी की बात करेंगे, समांतर श्रेणी का क्या क्या यूज होता है, इसमें कौन कौन सा फार्मूला, समांतर श्रेणी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर शॉर्टकट में एपी बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे कि सिंपल सा है, ए एक होगा, एक ए प्लस डी, इस टाइप से पढ़े होंगे, ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी, ऐसा ऐसा कुछ पढ़े होंगे, डट डट करके कितना भी चला जाएगा, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं डट डट करके ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस तरह से आप पढ़ रखे होंगे, बातें समझ आ रही है, इस तरह से पढ़ रखे होंगे। तो इसमें यहाँ जो डी क्या है, यहाँ डी क्या है, सर्वांतर है, यहाँ डी जो है सर्वांतर है, पढ़ रखे होंगे आप लोग क्लास इलेवेंथ में, क्लास इलेवेंथ के मैथ में होगा, ठीक है। डी सर्वांतर है, इन पदों का योग अगर ज्ञात करना हो, इसमें इन पदों का योग ज्ञात करना हो, इन पदों का योग ज्ञात करना हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए सी इंडिकेट करते हैं एन बाई टू, कोष्टक में टू ए प्लस होता है एन माइनस वन इंटू डी, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सही है, ठीक है ना। इसके बाद हम लिखेंगे एंथवा पद, यानी कि एंथवा पद कौन सा होगा, एंथवा पद, ठीक है ना, एंथवा पद क्या होगा, तो हम ए एन काउंटिंग कर लेते हैं कि मान लीजिए ये एक दो तीन चौथा पद ज्ञात करना है, तो हमें ये ज्ञात करना है तो हम ए फोर लिख सकते हैं, ठीक है, यस सर। चलिए तो चौथा पद लिखना है तो ऐसे लिखेंगे एंथवा पद ए एन, ए एन लिखेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला लगाएंगे, ए क्या है, ए जो है, हाँ बहुत अच्छा काश वर्मा जी, बहुत अच्छा, बस इतना ही इसमें करना है। अब देखिए थोड़ा सा हम और नोट्स वगैरह बताते हैं, जैसे में कि नोट देखिए, आपका फर्स्ट जो नोट है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस डॉट डॉट प्लस एन तक आ जाए, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एड का एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, ठीक है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। दो नंबर देखिए, एक है वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, डायरेक्ट इसको याद रखना है, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, प्लस एन का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, एन इंटू एन प्लस वन और टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स होता है, एन इंटू एन प्लस वन और एक क्वेश्चन में टू एन प्लस वन अपान सिक्स होता है, ये बात समझ में आ रही है, टू एन प्लस वन अपान सिक्स होता है, ठीक है, मिटाओ क्या इसे, एक और लिखवाना है, एक और यहाँ पर मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, एक और लिखवाना है, कौन सा आता है, वन का क्यूब, ये तीन नंबर है, वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस एन का क्यूब, इसका फार्मूला क्या होगा आप लोग बताइए, इसमें करना कुछ नहीं है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर कर देना है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है ना, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, इसका फार्मूला ये होता है, फटाफट नोट कीजिए, नोट करना है नोट कीजिए, मिटाओ बोलो फटाफट, ये आप लोगों को ये बेसिक सा है, याद कर रखे होंगे, ठीक है। टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू डी, चलिए आकाश वर्मा जी बहुत अच्छा, मैं इसे मिटाऊ क्या, फटाफट बोलिए आप लोग,
मैं इसे मिटाऊं क्या? मिटाओ क्या मैं इसे? हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, नोट कर लिए क्या आपने? आकाश वर्मा। यस सर। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। अब चलेंगे थोड़ा सा आप द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम पर चलेंगे। बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला किस किस कौन कौन सा यूज होता है फिजिक्स में, ये मैं आपको बताऊंगा। बाइनोमियल थ्योरम, इसको बोलते हैं द्विपद प्रमेय, यही होता है ना द्विपद प्रमेय। है, इसको बोलते हैं द्विपद प्रमेय। आप लोग जानते होंगे कि 1 + x^n, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 1 + x^n। तो 1 + nx + n(n-1)((n-1)) क्या होगा, तो x²/2 होगा, प्लस n(n-1)(n-2)। ठीक है ना। और क्या हो जाएगा इसके बाद, x³/6 हो जाएगा। ठीक है। अरे यार, nc₁, nc₀, nc₁, ठीक है, इस टाइप से हम कह रहे हैं, nc₁ × x, nc₂ × x², nc₃ × x³, इस तरह चलता जाएगा। तो nc₃ क्रमचय संचय का ये है, बातें समझ में आ रही है। तो प्लस प्लस डॉट डॉट करके चला जाएगा। ठीक है। और इसी तरह एक होता है 1 − x^n, तो इसमें माइनस प्लस करते चले जाना है। इसमें क्या करना है, 1 − nx + n(n-1)(x²/2), फिर माइनस करना है। बातें समझ में आ रही। ऐसे ही करते चले जाना है, n(n-1)(n-2)(x³/6) प्लस डॉट डॉट करके चला जाता है। ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, यदि यदि एक्स इज वेरी वेरी लेस देन एक्स हो, यहाँ पर फिजिक्स में देखो कैसे ये यूज हो रहा है, एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1 होता है, ठीक है ना, तो हम लिख देते हैं, तो हम क्या लिखते हैं भैया, हो ऐसे लिखो, एक्स इज वेरी वेरी लेस देन हो तो हम लिख देते हैं 1 + x^n को लिख सकते हैं, 1 + nx लिख देते हैं। बातें समझ में आ रही है। देखिए एक फिजिक्स में कैसे यूज हो रहा है, यदि एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1 हो तो 1 + x^n को हम लिख देते हैं 1 + nx, ऐसे फिजिक्स में यूज होता है। ठीक है। ये मैं जब पढ़ाऊंगा ना, बेसिक आप लोग पढ़ लेंगे ना, तब मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है। तथा अब इसको लिखेंगे 1 − x^n को लिख सकते हैं, 1 − nx लिख देते हैं। ठीक है। बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है। 1 − x^n को लिख देते हैं, बस इतना ही बाइनोमियल थ्योरम का यूज होता है। इसके बाद मैं योगानुपात, योगांतरानुपात नियम बताने वाला हूँ। योगांतरानुपात, आकाश वर्मा जी जान रहे क्या, योगांतरानुपात नियम पता है आपको, योगांतरानुपात नियम पता है तो बोलिए। चलिए मैं इसे अब मिटा रहा हूँ। यस सर, क्लियर है। चलिए, युगांतरानुपात सही अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, मैं इसे अब मिटा रहा हूँ। ठीक है। आप लोग सारी बातें जान रहे हैं और मैं बेसिक वगैरह सारा बता दे रहा हूँ कि क्या क्या फिजिक्स में यूज होगा और कैसे होगा। देखिए युगांतरानुपात नियम, युगांतरानुपात नियम, ये भी यूज होता है फिजिक्स में। ठीक है। यदि p/q = a/b हो, p/q = a/b हो, तो p+q = a+b/a-b हम लिख सकते हैं। यही होता है योगांतरानुपात। देखिए p लिखा,
इसको ऊपर ले जाकर जोड़ दो और फिर पी लिखो, इसके बाद अपान लिखकर पी लिखो, अब इसके बाद माइनस क्यू कर दो। इसी तरह ए है, ए प्लस लिखो और उसको ऊपर नीचे वाला पार्ट को लेकर जोड़ दो, फिर अपान में ए लिखो माइनस करके फिर बी घटा दो। इसी यही है योगांतर अनुपात। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में चलते हैं फटाफट फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं। गुणोत्तर श्रेणी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, कोई नहीं पढ़ाता ये सब, चैप्टर जीरो कोई नहीं पढ़ाता है, कहेगा अपने से पढ़ लो यार, ऐसे ऐसे कुछ करते हैं। देखिए यहाँ पर ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ऐसे ऐसे होता है। यहाँ आर जो होता है सर्वानुपात होता है, सर्वानुपात होता है, यहाँ आर सर्वानुपात। आकाश वर्मा जी मैं बहुत अच्छा, आकाश वर्मा जी आप जानते हैं, और ये युगांतर अनुपात। तो मेरा सुबह वाला लेक्चर आपने देखा क्या, आकाश वर्मा जी बहुत ही अच्छा लेक्चर था, और ये आपको बुक में नहीं मिलेगी, मतलब बुक में लगभग नहीं मिलेगी, आर कॉमन रेशियो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सर्वानुपात वही कॉमन रेशियो होता है। तो मेरे अगर लेक्चर नहीं देखे हैं सुबह वाला तो कृपया देख लीजिएगा, वो बहुत है कि बस उसमें मैंने ज्ञात करा था पिछले लेक्चर में कि क्या क्या, तो डिस्क के प्रति विभव ज्ञात करा था और एक वलय के प्रति विभव ज्ञात करा था। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा शानदार है। देख लिया सर, बहुत अच्छी बात है यार, देख लिए तो, क्योंकि देखिए पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे तो मतलब मुझे भी पता है कि आप अच्छे होनहार स्टूडेंट हैं, तो मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आता है। ठीक है ना, जो पढ़ जिसको पढ़ने का मन करता है ना, तो मुझे भी पढ़ाने का बहुत शौक है, बहुत नहीं पैसा नहीं मतलब टीचिंग का है। ठीक है, मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ाता हूँ या फिर किसी, ये आते तो जानते ही हैं कि यूट्यूब पर पैसा भी मिलता है तो बहुत कम मिलता है, और उससे कोई मतलब मेरा कोई वो नहीं होता है, तो मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा पैसन है बस पढ़ाना। यहाँ आर सर्वानुपात हो गया। अब देखिए यहाँ पर एनवा पद, एनवा पद अगर ज्ञात करना हो तो ए एन लिखते हैं, ए इंटू आर टू डी पावर एन माइनस वन लिख देते हैं। ठीक है, अगर इसका योग करना हो, योग करना है तो एस एन लिख देंगे, ए इंटू वन माइनस आर के पावर, ये आर टू डी पावर एन अपान में लिख देते हैं वन माइनस आर। ठीक है, अनंत पदों का योग, योग अगर ज्ञात करना हो, यही लिख दे रहा हूं यहां पे, अनंत पदों का योग ज्ञात करना हो, अनंत पदों का योग ज्ञात करना हो तो एस इन्फिनिटिव जो होता है यहां पे, इसी में एस इन्फिनिटिव जो होता है यहां पर क्या होता है, ए अपान में वन माइनस आर हो जाता है। ठीक है, जहां आर जो होता है, आर जो मॉड में होता है, मॉड का मतलब कि नेगेटिव होगा तो बाहर आएगा तो पॉजिटिव, ए अपान में वन माइनस आर, बहुत अच्छा। जहां मॉड आर जो होता है इज लेस देन वन होना चाहिए, मॉड आर क्या होना चाहिए, इज लेस देन, तभी एस इन्फिनिटिव निकल पाएगा। चलिए गुणोत्तर श्रेणी भी हो गया, त्रिकोणमितीय रेशियो में फार्मूले यूज होते हैं, कुछ जान लीजिए त्रिकोणमितीय रेशियो। इसके बाद ज्ञानियम थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है, और थीटा वगैरह के बताऊंगा क्या क्या होता है, फटाफट इसे मिटा रहा हूँ अभी। ठीक है, सब कुछ जान रहे होंगे आप लोग, अगर नहीं जानते होंगे वीडियो को स्टॉप मतलब बाद में कभी स्टॉप कीजिएगा, नोट करते जाइए साथ 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 में, नोट करते जाइए। मिटाऊँ फटाफट, बोलिए मिटाऊँ क्या, मिटाऊँ मैं, मिटाऊँ क्या, यस क्लियर है, चलिए कोई बात नहीं, मिटाता हूँ मैं इसे। त्रिकोणमिति में देखिए थोड़ा सा मैं कुछ बता दे रहा हूं। ठीक है, टू पाई रेडियन, त्रिकोणमिति लिखो क्या पहले, त्रिकोणमिति में का यूज जो फार्मूला होता है फिजिक्स में वो क्या क्या होता है भैया, देखिए आपको दोहरा रहा हूं, मतलब जो आप पीसीएम से होंगे तो आपका मैं आपको पता होगा, और पीसीबी से है तो ये सारे लोगों के वीडियो बन रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ सबके लिए। ठीक है ना, तो आप लोग भी जानिए, टू पाई रेडियन जो जानता है वो अच्छी बात है भैया, टू पाई रेडियन, इसको लिख सकते हैं टू पाई रेडियन को 360 डिग्री,
और इसको अंश में लिखते हैं तो 57.3 डिग्री, 57.3 अंश लिखते हैं, 57.3 अंश। इसको लिखते हैं 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, ये इतना होगा, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, इतना पता है आप लोगों को। अब देखिए 1 रेडियन जो होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 57.3 अंश, बस इतना जानना है आपको, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 अंश होता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग जानते होंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टाइन थीटा, ये सब कुछ जानते होंगे, आप लोगों को पता होगा, तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, थोड़ा सा लिखवा दूँ क्या, लिखवा दूँ, चलिए, ये होता है, यूज होता है इसमें समकोण त्रिभुज में, ठीक है। थीटा यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो ये यहाँ पे बी, तो ये जो होगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहाँ से, तो लंबी कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से हो जाता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम साइन थीटा कॉस थीटा ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण, टाइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, और इसके लिए याद करने के लिए सबसे आसान एल ए एल बटा के, ये याद रखिएगा। देखिए साइन थीटा, साइन कॉस टाइन तीन है, साइन थीटा तो लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा तो आधार बटा कर्ण, और टाइन थीटा तो लंब बटा आधार, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगा, आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आप लोगों को पता होगा इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, मैं लिखूंगा नहीं, बहुत ही आसान सा है। इसका उल्टा होता है सेक थीटा, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, पलट दो इसको, और टाइन होता है काट थीटा, तो इसका होता है आधार बटा लंब, ठीक है, पलट दो इसको, ठीक है, ये मैं लिखवाऊंगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसमें साइन थीटा इसमें क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब ये है तो ए बटा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बातें समझ में आ रही है। प्लीज सर अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जरूर दूंगा मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को जरूर दूंगा, रुकिए अभी। और अगर इंट्रोडक्शन देखना है तो आप लोग फेसबुक यूज करते होंगे, और मेरा फेसबुक नेम है प्रदीप वर्मा, वहाँ पर मेरी सारी मैं जो करता हूँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। प्रदीप वर्मा मेरा नाम है फेसबुक नेम, सर्च कीजिएगा तुरंत आ जाएगा मेरा, ठीक है, वहाँ से आपको मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मैं क्या करता हूँ, कहाँ क्या करता हूँ, सारी चीज़ें मैं बता दूँगा, वहाँ से आपको पता लग जाएगी सारी चीज़ें, मेरी गैलरी वगैरह सच्ची सब चीज़ से पता चल जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए अपान में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी थोड़ा सा मतलब जब तक आप फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे, गैलरी जो इंट्रोडक्शन है मेरा लॉकिंग है, मैं लॉक कर चुका हूँ और अभी मैं खोलूँगा, ठीक है, खोलूँगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। आकाश वर्मा जी आप देख सकते हैं वहाँ से, साइन थीटा इक्वल टू ए अपान में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा अगर निकालें तो आधार बटा कर्ण, तो बी अपान में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह टाइन थीटा निकाल लेंगे, जैसे जैसे ये दे रखा है तो इस तरह से हम निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है, बातें समझ में आ रही है। अब देखिए हम यहाँ पे साइन के कुछ और फार्मूला बताऊंगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, इस टाइप का फार्मूला यूज होता है फिजिक्स में, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, आप सभी लोग जानते होंगे इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये नोट कर लीजिए, 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डे अंश, ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं त्रिकोणमिति के लिए। अब मैं लिखवाऊंगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला जो होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है, साइन ए प्लस बी
और साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस साइन कॉस ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है सर, अभी थोड़ा काम है। चलिए यहाँ पर देखिए लाइट कट गई, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, और लाइट कट गई तो मैं अभी पढ़ा नहीं सकता। अब देख लो क्या दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, तब तक आप हमसे पूछ सकते हैं। लाइट कट गई यार, मैं क्या करूं, लाइट कट गई बाबा। और ये भी हम